जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में। और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में, और टाटा पावर की एक बहुत बड़ी डील जिसका अप्रूवल हमें कल जो है वो देखने को मिला है, उसके बारे में बड़ी अपडेट हमें सामने आई है। उस चीज़ के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। टाटा पावर किन लेवल्स पर आ चुका है, कौन से लेवल्स पर सपोर्ट ले रहा है, चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, और साथ ही में कुछ इंटरेस्टिंग फंडामेंटल एनालिसिस जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आजकल पसंद आ रहे हैं, उससे रिलेटेड भी हम इस वीडियो में टाटा पावर का अच्छे से एनालिसिस करेंगे। एक डिटेल्ड आपके लिए मैं रिपोर्ट और निकाल के लेके आया हूँ किस तरीके से आगे जाके इस शेयर में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और यार, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था अगर आप लोगों को अपने किसी भी शेयर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको उसके बारे में आपका एनालिसिस करवाना है, तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। मेरे पास 100 से ज़्यादा कमेंट आए हैं लोगों के, जिन लोगों को अपने शेयर्स के बारे में जानना है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जो लोग भी चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। 43,000 सब्सक्राइबर्स का हमने माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है, 50,000 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और मेरा वादा अभी भी मेरे को याद है, मैं बिल्कुल भूला नहीं हूँ, 50,000 सब्सक्राइबर्स जैसे ही हमारे पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम लोग लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस कुछ लेके आने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी आप लोगों के लिए भी। कल याद रखना, जिन लोगों ने भी, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एक ऑप्शन की एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पूछते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए कल एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जो है मैं लेके आने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स भी आपको सीखने को मिलेंगे, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ऑप्शन सेलिंग वगैरह बहुत मुश्किल हो गया, तो उसका भी एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप बहुत कम मार्जिन पे ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत इजी एक तरीका रहेगा। तो चलो यार, अब बहुत बातें हो गई इस वीडियो में, फाइनली अब हम बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो। हम लोग वहाँ पर भी 4,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बहुत जल्द जो है वो होने वाले हैं। तो यार, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाओ, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो और स्पेशली आपके शेयर से जुड़ी हुई कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि शेयर में आजकल जो मार्केट चल रहा है बहुत वॉलेटाइल हो रहा है, और ऐसे मोमेंट पे आपको आपके शेयर के बारे में पल पल की खबर, पल पल की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेवल्स पता होने चाहिए। तो उस सभी के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो यार, सबसे पहले चार्ट पैटर्न, टेक्निकल पैटर्न, ये सारी चीज़ें तो हम देखेंगे ही, मगर उसके साथ साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बड़ी अपडेट हमें सामने निकल के आई है वो आप सबके सामने जो है वो रखना चाहता हूँ। देखिए, टाटा पावर ने नेस्को यूटिलिटी को परचेज़ कर लिया है। उसकी जो डील जो CCI में अटक रही थी वो डील फाइनलाइज्ड हो गई है। अब CCI क्या होता है, बहुत सारे लोग TTML से जुड़ी हुई वीडियोस में भी मेरे से पूछते हैं कि भाई CCI क्या होता है, क्या चीज़ होती है। तो देखो भाई, CCI होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसका क्या काम होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि CCI की अप्रूवल नहीं मिली इस वजह से ये डील अटक गई, CCI की अप्रूवल नहीं मिली इस वजह से वो डील अटक गई। तो ये सारी डील CCI की वजह से ही क्यों अटकती हैं, CCI होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि कोई भी कंपनी अपने लिए एक बहुत बड़ी मोनोपोली ना क्रिएट कर पाए। क्योंकि इन दी एंड जब तक कंपटीशन रहेगा तब तक जितने भी ग्राहक हैं, जितने भी लोग हैं जो लोग यूज़ करते हैं इन सर्विसेज को, उनका फ़ायदा रहेगा। ना ही CCI ये चाहता है कि जियो की मोनोपोली हो, ना ही वो चाहता है एयरटेल की मोनोपोली हो। खैर, एयरटेल और वोडा की मोनोपोली जब चल रही थी तब तो हमें पता ही था डेटा के रेट्स क्या थे। तो ये चीज़ CCI का काम है सुनिश्चित करने का। तो अगर आपको आगे भी कभी कहीं पे आप पढ़ो और ये चीज़ आपको दिखे कि भाई मेरी कंपनी की ये डील CCI की वजह से अटक रही है, तो CCI का मतलब आप समझ जाना कि कुछ ऐसी बातें हैं इस डील में जो आपकी कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव भी हो सकती हैं और वो मोनोपोली टाइप जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। अब एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है आपको इस डील में देखने को मिलेगी, जो CCI ने अप्रूव करी है एक्विजिशन नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी ओडिशा। तो ओडिशा की इस कंपनी की ये बहुत बड़ी डील हमें देखने को मिली है, 51% अगर टाटा पावर के पास जो आ जाता है, तो टाटा पावर के पास जो है इसका टाटा पावर एक ओनर बन जाता है। क्योंकि 50% से ज़्यादा अगर किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर किसी पर्सन या किसी कंपनी के पास हैं तो वो उस कंपनी का
ओनर होता है। तो इस वक्त टाटा पावर ने यूनेस्को यूटिलिटी को जो है एक्वायर कर लिया है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये एसेट्स बढ़ाता है। नेस्को, अगर आप बात करें नेस्को यूटिलिटी की, तो एक कंपनी आप देखें तो 19 नवंबर 1997 में बनी थी। उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में जो ये 5 जिले हैं, इनमें बहुत बड़ा इनका एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हैं एसेट्स हैं। क्योंकि एसेट्स एक्वायर करना इस वक्त टाटा पावर की बहुत बड़ी एक आप देख सकते हैं मिशन पे टाटा पावर निकला हुआ है। चाहे अडानी पावर हो, चाहे टाटा पावर हो, इन कंपनीज़ में एसेट्स बाइंग की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दे रही है, इन कंपनी के जितने भी ओनर्स हैं। और इसी वजह से शेयर के जितने भी शेयर धारक हैं, उनके मन में इन शेयर्स को लेकर बहुत पॉजिटिविटी है। इसीलिए आपने देखा टाटा पावर में एक बार लो लगा था, मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा जो लेवल दिया हुआ था, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो की ट्रेंड लाइन है 94-95 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, उस लेवल को होल्ड ऑन करने में अभी भी कामयाब है शेयर। तो जब तक ये 94-95 का लेवल नहीं निकलता है, आप लोगों को ये एक जोन मैं दे देता हूँ, 94-95 और 90, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह आपके लिए काम करेगा। ये बहुत ईयरली अगर आप देखें, लगभग 10 से 12 साल का एक बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हैं एरिया है। तो ये एरिया जब तक ये होल्ड कर रहा है 90 रुपीज़ तक आप लोग होल्ड कर सकते हैं। नीचे आएगा तो ये एटलीस्ट 85, और 85 टूटेगा तो ये 70 तक भी गिर सकता है। तो नीचे की साइड काफ़ी बेरिश हो जाएगा, मगर जब तक 90 और 94 के ऊपर रहता है, 90-95 की रेंज से ऊपर रहता है, तब तक स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश है मेरी तरफ से। अब इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं यार आप फंडामेंटल एनालिसिस इतनी डिटेल्स और इतने अच्छे से कौन सी वेबसाइट पे करते हो? तो इस वेबसाइट का नाम है टिकर टेप। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार प्रो वर्जन बहुत ही सस्ता मिल जाता है आपको, 118 रुपये के आसपास, और बहुत ज़बरदस्त आपको फीचर्स देता है। तो इसी वजह से मैं ये सारे डिटेल्ड एनालिसिस कर सकता हूँ। आपको भी अपने शेयर के बारे में कुछ इस प्रकार के एनालिसिस करने हो, तो ज़रूर आप इस स्टॉक को जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखनी होगी टिकर टेप पे, अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो टाटा पावर का स्टॉक है, इसमें डिविडेंड यील्ड 1.48% है, तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है अगर आप देखें तो। दूसरी चीज़, अगर आप फोरकास्ट और रेटिंग की बात करें तो 71% इस वक्त एनालिस्ट जो हैं वो इस स्टॉक को इन्वेस्टर्स को बाय करने के लिए कह रहे हैं, इनके फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हुए। अगर अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो जो फॉरकास्ट निकल के आ रहा है वो 68% की अर्निंग ग्रोथ इनकी आगे आने वाले कुछ दिनों में हो सकती है, बहुत पॉजिटिव है। होल्डिंग ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। इसमें दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। एक नेगेटिव क्या है, पहले उससे शुरुआत करूँ तो लास्ट 3 महीनों में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो 1% कम हुई है। तो म्यूचुअल फंड इसे निकाल रहा है। अब क्यों निकाल रहा है, अगर आप देखें तो पिछले कितने ही सालों से ये स्टॉक लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, कोई मीनिंगफुल बड़ा ब्रेकआउट 8 से 10 साल में इसमें नहीं दिखा है। तो अब जब लेवल्स मिल रहे हैं, ऊपर के लेवल्स मिल रहे हैं, तो आपको बहुत सारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स जो भी होते हैं, चाहे LIC हो गया या AMC हो गया, ये सारे फंड्स जो हैं वो अपनी पोजिशन स्क्वायर ऑफ करके प्राइस में अगर प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छे प्रॉफिट में निकलना चाहते हैं। तो फंड को अगर आप देख के चलते रहेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत वियर्ड लगेगी और आप के बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, लास्ट 6 मंथ में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 10% तक बढ़ी है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त 10% होता है अगर किसी कंपनी में 6 महीने में प्रमोटर होल्डिंग इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़े। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो प्रमोटर होल्डिंग्स की जो प्लेजिंग है वो बहुत कम हो चुकी है, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल लेवल्स पे जो है वो प्लेजिंग पहुंच चुकी है, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है किसी भी शेयर के बारे में। अगर मैं यहाँ पे फोरकास्ट की तरफ जाता हूँ और डिटेल में अगर हम फोरकास्ट करते हैं इस शेयर्स का, तो 1 साल में आपको 25 से 30% का रिटर्न ये देता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि अभी तक आ रहा है। ठीक है, लोअर साइड मैंने आपको बोला 84 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये नीचे की साइड जाता है 84 तक ये जा सकता है, मतलब 18% की डाउन साइड दिखाई दे रही है, और 84 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ता है तो ये 56 तक जा सकता है। ये हमें जो है इसके फोरकास्ट में पता चल रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ, अगर आप एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, वो 3.76% होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, जो कि लास्ट 3 ईयर के CAGR रेवेन्यू ग्रोथ से 1 से 1.5% की ज़्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कि बहुत पॉजिटिव है रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से। अर्निंग फोरकास्ट भी बहुत पॉजिटिव है अगर आप देखें तो।
अर्निंग में बिल्कुल बढ़त होने की संभावना है, क्योंकि 2020 एक ऐसा साल था जिसमें कोविड की वजह से अर्निंग में डिक्लाइन आया था। तो अर्निंग में लगभग 100 और 130% तक ग्रोथ हो सकती है अगर आप डिटेल में एनालिसिस पढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल्स की बात करें, फाइनेंशियल्स जैसे मैंने बोला अर्निंग वगैरह सारी चीज़ें बढ़ेंगी, तो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आपको फाइनेंशियल्स में भी देखने को मिल रही है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो बहुत बड़ा गेम चेंजर इसमें साबित हो सकता है, FII होल्डिंग लगभग 12.5% की है, और सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट दिया जा रहा है टाटा की तरफ से। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चार्ट पैटर्न उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, 90 से 94 रुपीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 85-86 का लेवल आपके लिए बहुत ज़्यादा एक रेंज बन जाती है, 85 से 86 की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा, नीचे की साइड अगर आता है तो ये लेवल आपको एक्युमुलेशन करने के लिए ज़रूर अपॉर्चुनिटी होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।